अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुम जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करवाने के लिए। और अब हम हॉस्टल से निकल पड़े हैं, थोड़े से दूर आ गए हॉस्टल से। अराक से कुम तक ऑलमोस्ट दो से ढाई घंटे का फासला, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर थोड़ी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि ईरान में एडमिशन जो वो स्टार्ट हो चुका है MBBS में और MD में। अगर आप लेना एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, उससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होगा। और हम अब ऑलमोस्ट हराक सिटी के बल्कि कुम के करीब पहुँच चुके हैं। ये थोड़ा सा आपको व्यू मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे एक अराक सिटी के बहुत मतलब पहाड़ के ऊपर है ना, कि इधर अराक में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। ये हम अल्लाह का शुक्र है कुम पहुँच गए। ये हज़रत बीबी मासूमा के दरबार शरीफ हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सिटी है, मतलब खूबसूरत सिटी है। इधर के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और इस वक्त हम बाज़ार के अंदर हैं जो हज़रत बीबी मासूमा के दरबार के साथ है। वहाँ पे मतलब थोड़ा वहीं पे बंदे वगैरह खड़े होते हैं जो मनी एक्सचेंज कर देते हैं आपको फ़ौरन, पाकिस्तानी मनी लेके और हमें ईरानी रियाल दे देते हैं। और इस वक्त हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई है, हम सोच रहे हैं कि पहले पैसे एक्सचेंज करवा लें, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खाएंगे ज़रूर। तो हम बंदे ढूँढ रहे हैं कि कोई हमें पैसे एक्सचेंज कर दे, लेट्स सी देखते हैं में क्या रेट मिलता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके लिहाज से तो आजकल थोड़ा ईरान में ना वो पाकिस्तानी मनी थोड़ी डाउन हो गई है, उसकी करेंसी थोड़ी डाउन हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों, तो हमें करेंसी का एक्सचेंज मिल गया है। तो अब करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ खा लें। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद इधर पाकिस्तानी वगैरह खाना मिल जाता है, जैसे बिरयानी या फिर दाल चने सफ़ेद दाल, इस तरह का थोड़ा बहुत मिल जाता है। ये हज़रत बीबी मासूमा की दरबार है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे भी अराक सिटी खूबसूरत है क्योंकि इसका जो वेदर है ना वो थोड़ा बहुत ठंडा होता है। और हम इस वक्त हरम पाक के अंदर ही हैं, यहाँ पे हरम पाक के अंदर जाएंगे, थोड़ा बहुत दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद इंशाल्लाह फिर हम अपनी सिटी अराक वापस आने का सोचेंगे। तो फिलहाल ये आप सीन्स हैं कुछ जो आप देख सकते हैं हज़रत बीबी मासूमा की दरबार के, बहुत ही खूबसूरत दरबार है। और इधर वैसे भी मतलब मुहर्रम जो चल रहा है ना, तो इधर काफ़ी लोग विज़िट करते हैं पाकिस्तान से और भी डिफरेंट मतलब कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये हरम पाक का अंदरूनी व्यू है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही काबिल दीद एक नज़ारा है, मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। एज़ यू कैन सी बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिल जाता है कसम से। और ईरान के हवाले से ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों, और ये अब हम रास्ते में हैं कि मैंने जो बीच बीच में क्लिप थे ना वो थोड़े बहुत कट कर दिए हैं, जस्ट आपको वो ट्रैवलिंग के दिखा रहा हूँ। तो ये अब हम ऑलमोस्ट अपने सिटी के करीब वगैरह पहुँचने वाले हैं। ये आपको सामने वगैरह लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी सी नज़र आ रही होंगी। ये अब हम सिटी के अपने अराक सिटी के करीब पहुँचने वाले हैं। वैसे तो इधर का अलाउ है हमारे हॉस्टल का कि आप 11 बजे तक आ सकते हैं, 11 बजे के बाद अलाउ नहीं है, लेकिन हम तो काफ़ी लेट हो गए, कोई नहीं छोड़ देंगे, एक दो मरतबा माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ओके गाइस।